नमस्ते मित्रों, आशा करती हूँ कि सब क्वेश्चन मंगल है। दोस्तों, आज हम एनटीएससी की परीक्षा के एक बहुत ही व्यापक परंतु सरल विषय के बारे में पढ़ेंगे। तो आज का हमारा विषय है एनालॉजीज या समानताएं। साथियों, इस विषय के प्रश्नों को सुलझाने के लिए हमारे पास गणित के नियमों के साथ साथ सामान्य ज्ञान भी होना चाहिए। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि समानताएं क्या होती हैं। इसका अंग्रेजी में अर्थ होता है अ करेस्पोंडेंस और पार्शियल सिमिलैरिटी या अ थिंग व्हिच इज कंपैरेबल टू समथिंग एल्स इन सिग्निफिकेंट रिस्पेक्ट्स। इसका हिंदी में अर्थ होता है उपमा, अनुरूपता, समरूपता। तो हम सबसे पहले बात करते हैं कि इसके प्रश्न किस प्रकार के होंगे। तो इसके प्रश्नों में कोलन का चिन्ह यूज होता है, जिसे हम हिंदी में कहते हैं बृहदान्त्र विराम चिन्ह। अगर हम दो कोलन की चिन्ह एक साथ देखते हैं तो ये होते हैं समानुपातिक चिन्ह। तो इस विषय में जो प्रश्न होते हैं वो इस प्रकार के होते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों में समानुपातिक चिन्ह के बाएं ओर के दो शब्दों, अक्षरों, अंकों एवं आकृतियों में कुछ संबंध है। वही संबंध चिन्ह के दाईं ओर के दोनों शब्दों, अक्षरों, अंकों एवं आकृतियों में भी है, जिनमें से एक पद लुप्त है। दिए गए विकल्पों में से लुप्त पद ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों, हमारा पहला प्रश्न ये है। तो इसमें अगर हम देखें तो 64 जो होता है वो 8 का वर्ग होता है, तो हम उसे कुछ इस प्रकार लिख देंगे। उसके बाद 100 जो होता है वो 10 का वर्ग होता है, और 10 को हम 8 जोड़ 2 लिख सकते हैं। तो अब हमें ये देखना है कि 16 और जो उत्तर होगा उनके बीच में भी वही समानता होनी चाहिए जो 64 और 100 के बीच में थी। तो 16 को हम 4 का वर्ग लिख सकते हैं। अब जैसे कि हमने ऊपर किया था कि 8 जोड़ 2 10 होता है, वैसे ही 4 जोड़ 2 करेंगे तो हमारे पास 6 आएगा, और 6 का वर्ग जो होता है वो होता है 36। तो हमारा जो उत्तर होगा वो होगा बी, 36। दोस्तों, ये हमारा दूसरा प्रश्न है। तो इसमें ए डी बी सी और ई एच एफ जी के बीच में जो समानता है वही आई एल जे के और उत्तर के बीच में होनी चाहिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम एबीसीडी को अल्फाबेटिकली लिख देते हैं। उसके बाद हम देखेंगे, अगर तो ए पहला स्थान है, डी हमारा चौथा स्थान है, बी हमारा दूसरा स्थान पे है और सी हमारे तीसरे स्थान पे है। अगर हम ई एच एफ जी को देखें तो हमें ये दिखेगा कि ई पांचवा स्थान है, एच हमारा जो आठवां स्थान है, एफ हमारा छठा स्थान है और जी हमारा सातवां स्थान है। तो अगर हम ई एच एफ जी को तदनुसार लिखेंगे तो हमारे पास इस तरह आएगा 1, 4, 2 और 3। वैसे ही अगर हम आई एल जे के को देखें तो आई हमारा नवा स्थान आता है, एल हमारा 12वां स्थान है, जे जो है हमारा 10वां स्थान है और के जो है हमारा 11वां स्थान है। तो इसको भी अगर हम तदनुसार लिखेंगे तो हमारे पास आएगा 1, 2, 3 और 4। तो हम देख सकते हैं कि हमारे पास एक पैटर्न आ रहा है और वो है 1, 4, 2, 3। तो हमारे जो उत्तर पद है उसमें भी ऐसा ही पैटर्न होना चाहिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हम N, M, P, N, O को लिखते हैं। तो जो M, P, N, O है इसमें हम देख सकते हैं कि अगर हम इसे तदनुसार लिखेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, M, N, O और P। तो ये जो है हमारा इस पैटर्न से मैच करता है, तो हमारा उत्तर जो है वो A होना चाहिए। अगर आप R, T, Z, D को देखेंगे तो इसमें आप देख सकते हैं कि ये जो है ये एक साथ आते भी नहीं है, और T, V, X, Z में भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास U जो है, Y है, W ये सब मिसिंग है। तो वैसे भी अगर आप बिना प्रश्न पढ़े भी देखें तो आप देख सकते हैं कि उत्तर सिर्फ ए ही हो सकता है।
दोस्तों हमारे तीसरे प्रश्न के लिए आपको सामान्य ज्ञान होना अनिवार्य है। तो इसमें अगर आप देखें तो बिहू और असम के बीच में जो समानता है वही गरबा और उत्तर पद के बीच में होनी चाहिए। तो बिहू क्या है असम का? तो अगर आप ध्यान से सोचिए तो आप देख सकते हैं कि बिहू जो होता है वो एक नृत्य होता है और वो असम का लोक नृत्य है। तो वैसे ही हमें पता करना है कि जो गरबा है वो कौन से स्टेट का लोक नृत्य है। तो अगर आप ध्यान से सोचिए तो गरबा जो है आप गुजरात में पाते हैं। तो गरबा गुजरात का लोक नृत्य है, तो हमारा उत्तर जो होगा वो होगा सी, गुजरात। दोस्तों ये हमारा जो चौथा प्रश्न है इसमें F और 216 के बीच में जो संबंध है वही संबंध L और उत्तर पद के बीच में होना चाहिए। तो सबसे पहले हम पूरा अल्फाबेट जो है वो लिख देंगे। तो यहाँ पे ये पूरा अल्फाबेट लिख दिया है, इसके सामने हमने इसके जो है पद लिखे हैं। तो A जैसे पहले पद पे आता है, B दूसरे, C तीसरे, वैसे ही हमने सारे पद लिख दिए हैं। तो अब हम F देखते हैं। F हमारे छठे पद पे आता है और L जो है हमारे 12वें पद पे आता है। तो अब अगर हम F को देखें तो F जो छठा पद है, अगर हम 6 का घनक्षेत्र करेंगे तो 6 का जो घनक्षेत्र होता है वो 216 होता है। तो हमारे पास ये एक संबंध आ गया है। तो अगर हम इस संबंध को लगाएंगे तो L जो है हमारा 12वां पद है, तो 12 का जो घनक्षेत्र होता है वो होता है 1728। तो अगर हम उसको लगाएंगे तो हमारे पास कुछ इस प्रकार आएगा। तो आप देख सकते हैं जो उत्तर ए है उसमें हमारे पास 1728 है, तो हमारा जो उत्तर होगा वो ए होगा। दोस्तों हमारा ये जो पांचवा प्रश्न है ये जो है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज या दक्षिणावर्त और वामावर्त दिशा का उपयोग करता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो पहला हमारे पास आकृति है और दूसरी आकृति है इनके बीच में संबंध ढूंढेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हमारे पास यहाँ पे टी है, तो टी को अगर हम वामावर्त दिशा में घुमाते हैं तो हमारे पास ऐसा टी आता है। उसके बाद ये जो एल है इसको अगर हम दक्षिणावर्त दिशा में घुमाते हैं तो हमारे पास कुछ इस प्रकार का एल आता है। फिर यहाँ पे जो के है, अगर हम के को दक्षिणावर्त दिशा में घुमाएंगे तो हमारे पास इस प्रकार का के आएगा। और एन को अगर हम दक्षिणावर्त दिशा में घुमाएंगे तो हमारे पास इस प्रकार का एन आएगा। तो अब हमें वैसा ही कुछ उत्तर ढूंढने में लगाना होगा। तो एम को हम क्या करेंगे, जैसे टी को हमने घुमाया था वामावर्त दिशा में, वैसे एम को भी हम वामावर्त दिशा में घुमाएंगे। उससे हमारे पास कुछ इस प्रकार का एम आएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, पी को हम दक्षिणावर्त दिशा में घुमाएंगे जैसा हमने यहाँ पे एल के साथ किया था। तो अगर हम वैसा करेंगे तो हमारे पास पी जो है वो इस प्रकार का आएगा। उसके बाद हम ये जो टी है इसको हम दक्षिणावर्त दिशा में घुमाएंगे तो हमारे पास इस प्रकार का टी आएगा। और ये जो एस है, जैसे हमने यहाँ पे एन को घुमाया था वैसे ही हम एस को भी दक्षिणावर्त दिशा में घुमाएंगे तो हमारे पास इस प्रकार का एस आएगा। ये जो है पैटर्न आप देख सकते हैं कि हमारा ऑप्शन डी में होगा, तो हमारा उत्तर भी जो होगा वो होगा डी। साथियों हमारा जो छठा प्रश्न है इसमें हमें दो आकृतियां दी गई हैं और इनके बीच का जो संबंध है उसका उपयोग करके हमें उत्तर निकालना। तो सबसे पहले हम ये पहली वाली आकृति देखते हैं। इसमें यहाँ पे जो त्रिकोण है इसके बाहर एक वृत्त आ गया है। दूसरी आकृति में जो ये वृत्त है इसके बाहर एक वर्ग आ गया है। और जो तीसरी आकृति है इसमें वर्ग के अंदर एक त्रिकोण आ गया है। तो इस पैटर्न का उपयोग करके हमें उत्तर ढूंढना है। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो ये वाली जो आकृति है जो वो एक विषम कोण है, इसके बाहर पंचकोण आएगा। तो ये कुछ इस प्रकार हो जाएगा, यहाँ पे पंचकोण होगा और इसके अंदर एक विषम कोण होगा। ये हमारी पहली आकृति हो जाएगी। उसके बाद पंचकोण के बाहर एक वृत्त आएगा।
यहाँ पे एक वृत्त होगा ऐसा, और इसके अंदर जो है हमारा पंचकोण होगा। अब जो है जो वृत्त है उसके अंदर विषम कोण आएगा, तो यहाँ पे एक ऐसा वृत्त होगा और इसके अंदर जो है एक विषम कोण होगा। तो ये जो पैटर्न है हमें उत्तर में ढूंढना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अगर हम ऑप्शन ए देखें तो इसमें हम देख सकते हैं कि हमारे जो सारे ये आकृतियां हैं ये इसमें मिल रही हैं, हमारा जो उत्तर होगा वो ए ही होगा। दोस्तों ये जो हमारा एक नया सेक्शन है वो आपकी वोकैबुलरी या शब्दावली को बढ़ाने के लिए हमने लाया है। तो इसमें हम सबसे पहला शब्द देखते हैं वो है नॉलेज, और इसका अर्थ होता है ज्ञान, सूचना या विद्या। तो आप जब स्कूल जाते हैं तो वहां से आप ज्ञान प्राप्त करते हैं, या हम कह सकते हैं कि वहां से आप नॉलेज प्राप्त कर रहे हैं। अगर आप हमारा दूसरा शब्द देखें तो ये है इंटरेस्टिंग, इसका मतलब होता है दिलचस्प, रोचक, आनंददायक। तो अगर आपको कोई भी टॉपिक बहुत ही दिलचस्प लगता है, उसे पढ़ने में आपको मजा आता है, तो हम कह सकते हैं कि वो टॉपिक आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग है। अब हमारा जो तीसरा शब्द है वो है कॉम्प्लिकेटेड, इसका अर्थ होता है जटिल या पेचीदा। अगर कोई प्रश्न जो है जो आपको समझ नहीं आ रहा है, या उसमें बहुत सारी चीजें दी गई हैं और वो प्रश्न सुलझाना आपको जटिल लग रहा है, तो हम कह सकते हैं कि वो जो प्रश्न है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही वीडियोस बनाते रहें आपकी सहायता के लिए, तो इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अगर आपके पास कोई भी डाउट है या आप चाहते हैं कि हम किसी विषय पर वीडियो बनाएं, तो कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। थैंक यू।